Realme ने अपनी 9 सीरीज में एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है Realme 9 Pro Plus Free Fire Edition। और गाइस काफ़ी सारे लोगों को इस स्मार्टफोन को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि इस Free Fire Edition वाले नाम के साथ आपको स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे, कैसा ये स्मार्टफोन होने वाला है। इसी स्मार्टफोन की सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ, इससे रिलेटेड आपको जो भी कन्फ्यूजन रहेगी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मेहर, चलिए चलते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं इसी स्मार्टफोन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, उनको जरूर देख के जाना, अदरवाइज बाद में नहीं बोलना कि बताया नहीं इस स्मार्टफोन के बारे में। ये भी चीजें हैं जैसे कि इस स्मार्टफोन का लास्ट में नाम है फ्री फायर एडिशन, तो इसमें फ्री फायर से रिलेटेड आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि इस स्मार्टफोन में आपको थीम देखने को मिल जाएगी फ्री फायर की। स्मार्टफोन का जो बैक डिजाइन है ना, वह ग्लास के साथ आता है और इसमें आपको नीचे फ्री फायर का एक लोगो देखने को मिलेगा। कैमरे के साइड में आपको भुइया लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा फ्री फायर से रिलेट करता है और स्मार्टफोन के बॉक्स के साथ आपको काफी सारे फ्री फायर के स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, इससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। 1000 nits की इसमें आपको ब्राइटनेस मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है इसमें आपको। गाइस ओवरऑल आपको डिस्प्ले काफी अच्छी मिल जाती है इस स्मार्टफोन में। Realme 9 Pro Plus Free Fire Edition के अगर मैं कैमरास की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में आपको 50 megapixel का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिल जाता है। 50 megapixel के इसमें आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसमें सोनी IMX766 का सेंसर लगा हुआ है। 8 megapixel के इसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है और 2 megapixel के इसमें आपको एक माइक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरे की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 16 megapixel का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। गाइस ओवरऑल रेयर कैमरा इसमें आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। और अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो गाइस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एक गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है, तो गेमिंग स्मार्टफोन के हिसाब से इसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें आपको परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर मिल जाता है MediaTek Dimensity 920 के, इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है जो कि ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है। इसमें आपको 2.5 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी, Android 12 मिल जाता है, Realme UI 3.0 देखने को मिलेगा। तो गाइस इन चीजों के साथ में आपको परफॉर्मेंस डेफिनेटली इस स्मार्टफोन में काफी अच्छा देखने को मिलेगा। बैटरी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाती है 4500mAh की बैटरी, जिसमें आपको 60W की सुपर डार्ट चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है। तो गाइस Realme 9 Pro Plus Free Fire Edition के सारे स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बता दिए, अब मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूं। बट प्राइस जानने से पहले आप एक बात जान लो कि इस स्मार्टफोन में आपको सेम टू सेम फीचर्स मिल जाते हैं Realme 9 Pro Plus स्मार्टफोन से, बस इसमें क्या चेंज है, इसमें थोड़ा डिजाइन चेंज कर दिया, फ्री फायर का नाम लिख दिया, ये थोड़ा बहुत चेंज करके उसी स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन ये वाला स्मार्टफोन है। हो सकता है इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने की वजह Realme की ये हो कि फ्री फायर जो लोग खेलते हैं उन लोगों को ये स्मार्टफोन अट्रैक्टिव लगे, तो ये फ्री फायर नेम से ही वह लोग इस स्मार्टफोन को परचेज कर लें, तो हो सकता है ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट हो। अब मैं आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस बता देता हूं। तो गाइस Realme 9 Pro Plus Free Fire Edition को अभी लॉन्च किया गया है थाईलैंड में, जो थाईलैंड की करेंसी में इसकी प्राइस रखी गई है वो है 11,999। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो करीब 27,300 रुपए के करीब इसकी प्राइस रखी गई है थाईलैंड में। देखते हैं स्मार्टफोन, ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है नहीं होता, होगा जो भी डिटेल रहेगी मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।